हाँ नमस्कार बच्चों, दो चरों वाले रैखिक समीकरण अध्याय चार हमारा चल रहा था और अध्याय चार लिख देते हैं यहां पे अध्याय चार। और इसमें बच्चों सुनिए, पिछली क्लास में हम ग्राफ आप लोगों को समझा चुके थे और संभवतया उसके आधार पे आपने बचे हुए सवाल कर लिए होंगे। अब हम आप लोगों को सीधे लिए चलते हैं प्रश्नमाला 4.2, उसमें कौन कौन सी विधियां हैं वो देखिए। विलोपन विधि को दो भाग में बांट दिया, एक गुणांकों को समान बनाकर और एक है विलोपन विधि प्रतिस्थापन द्वारा। तो आज हम प्रतिस्थापन विधि से सवाल हल करेंगे। प्रतिस्थापन, जैसा आप लोगों को नाम से दिख रहा होगा, प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें हम एक्स या वाई का मान किसी एक समीकरण से निकालकर दूसरे समीकरण में गिराएंगे। वापस से सुन लीजिए, यहां पे एक से छह सवाल है, किसी एक समीकरण में से एक्स या वाई का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रखेंगे, ठीक है, जिससे उस समीकरण में या तो केवल एक्स के पद हो जाएंगे या केवल वाई के पद हो जाएंगे। प्रतिस्थापन विधि हम आज ले रहे हैं, इसको विलोपन विधि नाम दे दिया। वैसे विलोपन विधि होता है गुणांकों को समान बनाकर, यानी या तो एक्स को कट करना होता है या वाई को कट करना होता है। प्रतिस्थापन विधि थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि यहां बटे में कुछ मान आ जाते हैं। तो हमारे कुछ साथी जो लघुतम लेने में तकलीफ पाते हैं, प्लस माइनस की कर देते हैं, उनको इसमें दिक्कत आ सकती है। तो थोड़ा सा सावधानी रखिएगा जिससे प्लस माइनस की गलतियां नहीं हो। एक्सरसाइज हम ले रहे हैं 4.2। और पेज नंबर है 82। पहला सवाल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ये रहा आपके सामने, 2x प्लस 3y बराबर 9। पहला समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 9 और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर 5। पुनः पुनः देखिए, 2x प्लस 3y बराबर 9, 3x प्लस 4y बराबर 5। 4.2 का पहला सवाल। अब सुनिए बच्चों, इसमें मान लीजिए ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है, तो इन दोनों समीकरणों में से किसी में से भी x का या y का मान हम निकालते हैं। अगर इससे ज्ञात किया है तो इसमें गिराना है, इससे x या y का मान निकालना है तो इसमें रखना है। गिराने का मतलब रखना है। तो हम यहां पे पहले समीकरण से देख रहे, पहले समीकरण से हमने क्या किया, 2x बराबर 9 माइनस 3y। ये तो आप लोग सभी जानते होंगे कि 3y इधर आया तो माइनस का हो गया, पक्षांतरण करने पे चिन्ह बदल जाते हैं। जहां तक x की बात है, 9 माइनस 3y बटे 2, x का मान x बराबर 9 माइनस 3y बटे 2। ये समीकरण नंबर 3 दे देते हैं बच्चों हम। बेसिकली तो ये फर्स्ट से ही निकला है, अरे पहले से ही निकल के आया है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। सुनो, फर्स्ट से ही थर्ड आया है। तो अब जब हम समीकरण लेंगे तो सेकंड और थर्ड लेंगे, ध्यान रखना, फर्स्ट और सेकंड नहीं। फर्स्ट का रूप चेंज होके हमने तीसरा समीकरण नाम दे दिया, ठीक है ना बच्चों। तो ऐसे हम बदलाव कर देते हैं। अब हम कौन कौन से ले रहे हैं, समीकरण 2 व 3 से, थोड़ा बटे में है ध्यान रखना, समीकरण 2 व 3 से। यस बच्चों, ध्यान से उतारना, बाद में पहले समझ लो। ये 3x है ना, तो 3 तो यहां रखिए और x की जगह पे ये प्रतिस्थापित कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जिससे क्रिकेट के खिलाड़ी आता है ना, 12वां खिलाड़ी, किसी की चोट लग गई, कुछ भी कोई कारण हो गया और वो 12वां खिलाड़ी आ गया। कभी फुटबॉल के अंदर भी आ जाता है ना, वैसा ही है। यहां कोई चोट वोट नहीं लगी, x का मान हमारे को रिप्लेस करना है, 9 माइनस 3y बटे 2। ये किसका मान है, x का, प्लस
चार वाई ऐसे के ऐसे बराबर पांच। पुनः पुनः देखिए, समीकरण नंबर दो था तीन एक्स, एक्स की जगह पे ये रखा, आइए तीन से। अगर बच्चों कभी ये कटता है ना तो इसको कट कर लेंगे, ध्यान रखना इसको और इसको कट नहीं कर सकते। हम में से कई नन्हे मुन्ने बच्चे यहां पे अगर कोई संख्या आठ होती तो इसको कट कर देते, ध्यान रखना ये दो दोनों के लिए है, इसलिए किसी एक को कट कर नहीं सकते प्लस माइनस होने पर। अब ये तीन तो इससे गुणा हो गया बच्चों, और बटे में हम दो होने की वजह से एलसीएम ले लेते हैं, तो पहले आप गुणा कर लीजिए 27 माइनस 9 वाई बटे में दो, ये दो गुणा नहीं होता, इससे केवल अंश वाली चीज ही गुणा होगी, चाहे तो पूरे पे ब्रैकेट लगा सकते हैं नहीं तो ऊपर ब्रैकेट लगा सकते हैं। यहां पे 27 माइनस 9 वाई और प्लस 4 वाई बराबर 5। अब हम इसके बटे में एक है, एक लिख लेते हैं, और इधर हमने दो लघुत्तम लिया तो दो एकम दो, तो ये 27 माइनस 9 वाई ऐसे के ऐसे आ गया, एक से गुणा हो गए, और प्लस एक का भाग गया दो बार, दो गुणा चार आठ वाई बराबर 5। अब यहां क्या हुआ, सुनो इन दोनों का आउटपुट क्या आया, रिजल्ट क्या आया, 27 माइनस माइनस का एक वाई बचा, और इधर क्या हो गया, ये 5 दुनी 10। तो इससे कुछ बच्चों को यहां समझ नहीं आया, देखो बच्चों सुनो, 27 तो ऐसे कैसे लिखा हमने, माइनस के 9 वाई प्लस के 8 वाई, रिजल्ट आया माइनस का वाई, और ये जो दो है वज्र गुणन होके 5 से गुणा हो गया, हमने 10 लिख दिया है। ये मानते हुए कि आप लोग सभी 9th क्लास के स्टूडेंट हो तो यहां तक समझ गए होंगे, 10 को इधर भेजा, 27 माइनस 10 इज इक्वल टू वाई, तो वाई बराबर आ गया 17, वाई का मान 17। ये वाई का मान अगर हम इसमें रख देंगे तो x का मान हमें मिल जाएगा, ये आसान हमने बना रखा है। तो समीकरण नंबर किससे, तीन में y बराबर 17 रखने पर बस जहां y है ना वहां अब 17 दिखेगा, 9 माइनस 3 और यहां 17 बटे दो चल ही रहा है, तो ये 9 माइनस 17 दिया 51 बटे दो, तो यहां माइनस के 42 बचे 42, और उसमें दो का भाग गया कितनी बार, 21 बार, तो माइनस का 21 यहां आया और वाई का मान 17 यहां आया, अतः बस यहां लिख सकते हो आप कहीं पे भी, अतः पहले एक्स का मान लिखा करो हमेशा, x बराबर माइनस 21 वाई बराबर 17 है, उतार लीजिए। ये था पहला सवाल, x बराबर 21 माइनस का या प्लस का, माइनस का ध्यान रखना, और y बराबर 17 है, उतार लीजिए। प्रतिस्थापन विधि का ये था पहला सवाल, तो ऐसे हम किसी एक समीकरण में से x या y का मान निकाल के जिससे निकाला है उसके अलावा वाला जो समीकरण उसमें रखते हैं। उतारी जल्दी से,
यस बच्चों, ये था पहला सवाल प्रतिस्थापन विधि द्वारा। 2x plus 3y is equal to 9 and 3x plus 4y is equal to 5। यहां समीकरण नंबर एक व दो से हमने पहले समीकरण से x का मान निकाल लिया, क्योंकि पहले से निकाला तो दूसरे समीकरण में रखना है। सावधानी पूर्वक सवाल हल करना है, कहीं पे भी प्लस माइनस की गलती नहीं होनी चाहिए। आइए अगला सवाल देखें। यस, अगला सवाल है x प्लस 2y बराबर माइनस 1। उतारिए उतारिए, जिन्होंने नहीं उतारा जल्दी से उतारिए। यस बच्चों, देखिए x प्लस 2y बराबर माइनस 1। सवाल नंबर दो, x प्लस 2y बराबर माइनस 1 और 2x माइनस 3y बराबर 12 है। इनमें बच्चों सवाल को अक्सर चेक कर लिया करो, कहीं कोई गलती हो गई तो फिर गलत ही होगा सवाल। 2x माइनस 3y बराबर 12 है। इसमें हम वही पहले समीकरण से x का मान निकाल लेते हैं। बच्चों काफी कुछ इस सवाल से मिलता जुलता है। आइए पहले समीकरण से x का मान निकालें। आज केवल हम प्रतिस्थापन विधि ही ले रहे हैं, विलोपन वाला जो है ना, गुणांकों को समान करके, वो अगली क्लास में लेंगे, नहीं तो एक साथ लेने पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो यहां x बराबर माइनस 1 पहले से चल रहा था, 2y इधर आ गया माइनस 2y, यानी ये दोनों में माइनस है, ध्यान रखना। माइनस का 1 पहले से चल रहा था, 2y इधर ले आए हम। ये हो गया समीकरण नंबर 3, क्योंकि इसको हम समीकरण नंबर 1 और इसको हम समीकरण नंबर 2 दे रहे हैं, तो इसको हमने समीकरण नंबर 3 दे दिया। आया कहां से? पहले समीकरण से। इसलिए लेंगे कौन से? समीकरण 2 व 3, ये ध्यान रखना है आपको। देखिए जहां x है उस जगह पे, बच्चों मैं फिर से कह रहा हूं, लिखना बंद करो, पहले इधर समझ लो आप लोग। ये 2, x की जगह पे माइनस 1 माइनस 2y लिखा, x की जगह पे माइनस 1 माइनस 2y लिखा, और माइनस 3y चल ही रहा है, बराबर 12 है, चल ही रहा है। आइए इसको गुणा करें, माइनस 2 माइनस का 4y माइनस 3y बराबर 12 है। तो आपने देखा बच्चों कि इस जगह पे दोनों ही माइनस के हो गए, और इसमें तो ना कुछ बटे में भी नहीं आया, क्योंकि ये x के आगे है ना, कोई गुणांक नहीं दिख रहा था, एक था, तो एक होने पे बटे में कुछ होता ही नहीं है। तो यहां माइनस के 7y ये हुए बराबर 12 है प्लस 2, ठीक है ना बच्चों। समीकरण में इस तरह के आप लोग ये चिन्ह लगा सकते हैं या भी लिख सकते हैं। तो y बराबर क्या हुआ? 12 और 2 14 बटे में माइनस के साथ, 7 से कट रहा है दो बार, तो माइनस 2 मान आया किसका? y का। और ये y का मान हम समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं बच्चों, जैसे पहले रखा था समीकरण नंबर 3 में। ये वाला समीकरण 3 में y बराबर माइनस 2 रखने पर, क्या करने पर? रखने पर, तो x बराबर माइनस का 1 माइनस 2 और जो y है उसकी जगह पे माइनस 2, y की जगह माइनस 2। तो यहां x बराबर माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस का 4, तो x का मान आया 3 और y बराबर माइनस 2 तो पहले आ ही चुका है,
अतः x बराबर 3, y बराबर माइनस 2। बस इस तरह से है ये सवाल, उतारिए आंसर शीट से, मिल रहा है बच्चों, चिंता मत कीजिए, जल्दी से उतारिए। सवाल नंबर 2, x बराबर 3, y बराबर माइनस 2। पुनः पुनः हम समझा दें अंतराल से पहले। और बच्चों सुनो, आज की तारीख में ये 6 सवाल कर लेना घर पे जाके, स्कूल में वक्त मिले तो स्कूल में कर लिया करो, टाइम खराब मत किया करो बच्चों, क्योंकि वक्त को पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, एक बार खर्च तो खर्च। x प्लस 2y बराबर माइनस 1, तो यहां माइनस का 1 और माइनस 2y, समीकरण 2, 2x माइनस 3y बराबर 12 है, आप लोगों को दिख रहा है। इस समीकरण से हमने x का मान निकाला और इस समीकरण में रख दिया, माइनस 1 माइनस 2y, और माइनस का 3y चल ही रहा था, 12 बराबर के साथ चल ही रहा था, 2 से इसको गुणा किया आप लोगों के सामने, इसको हल करते हुए y बराबर माइनस 2 आया, और वो हमने समीकरण 3 में रख दिया, तो x का मान हमें 3 प्राप्त हुआ। आंसर शीट से देखने पे यही उत्तर है। और बच्चों सुनो, इनमें ना आप चेक भी कर सकते हो, x का मान 3 और माइनस 2 अगर मैं इसमें रखूंगा ना, तो वो इसको संतुष्ट करेगा, x बराबर 3 और माइनस 2, तो माइनस के 4, प्लस का 3, माइनस का 1 बचा, इधर 3 दुनी 6 और यहां पे प्लस के 6 हो गए घूम फिर के, तो 6 और 6 12 है, दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तो हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। कभी आंसर शीट में गलत भी हो तो हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था 4.2 का सवाल नंबर 2। एक दो मिनट के अंतराल के बाद में जल्द ही हाजिर होते हैं हम। बार पुनः स्वागत है आईसीटी की लाइव क्लासेस में, लेके हाजिर हम सवाल नंबर 3। तो बच्चों आप रोज की रोज अगर ये सवाल कर लिया करोगे ना, तो गणित बहुत आसान लगेगी। सवाल नंबर 3, 3x प्लस 2y बराबर 11 है, 3x प्लस 2y बराबर 11 है, और 2x प्लस 3y बराबर 4। एक बार पुनः मिला लीजिए, 3x प्लस 2y बराबर 11 है, 2x प्लस 3y बराबर 4, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। यस, आइए पहले समीकरण से हम मान निकाल रहे हैं, चाहे x का निकालिए चाहे y का। इस बार बच्चों थोड़ी सी प्रैक्टिस चेंज कर लेते हैं हम, दोनों ही बच्चों यहां पे दोनों पॉजिटिव दिख रहे हैं, किसी को भी उधर भेज सकते हैं,
अगर यहां पे इन दोनों में से कोई नेगेटिव हो ना, तो हम आपको सलाह दे रहे हैं कि माइनस वाले को पहले भेजा करो, नहीं तो वो प्लस माइनस की गलती करवा देता है। तो यहां पे हम इस बार 2y को इधर रख रहे हैं, किसको भेजा, 3x को, तो 11 है माइनस 3x, तो y बराबर 11 है माइनस 3x बटे 2, बटे 2, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। आया किससे, फर्स्ट से, तो गिराएंगे किस में, थर्ड में, अरे थर्ड में नहीं सेकंड में, थर्ड तो ये है, ठीक है। तो अब हम ले रहे हैं समीकरण नंबर सेकंड व थर्ड से, यस, जहां वाई है, इस बार वाई, 2x तो ऐसे ही रहेगा, 3 ऐसे की ऐसे रहेगा, और ब्रैकेट में किसको लिखा, 11 है माइनस 3x बटे 2 बराबर 4, ये सब कुछ बदलाव होते हुए देख रहा है। अभी पहले इसको 3 से गुणा कर लीजिए, एक साथ दो तीन काम करने पर अक्सर आप लोगों की गलतियां हो जाती हैं। तो यहां 2x प्लस 3 से इसको गुणा किया हमने, हाँ, तो ये हुआ 11 तिया 33 माइनस 3 तिया 9x बटे 2, 11 तिया 33 माइनस 9x बटे 2 बराबर 4। अब इसके बटे में एक तरह से एक है, और हमने 2 लघुत्तम लिया, एक का भाग गया 2 बार, 2 दुनी 4, ये छोटी क्लासेज में आप लोग वैसे भी किया करते थे कि इसमें ऊपर अंश और हर को गुणा करके बराबर किया करते थे, तो ये लघुतम के कंसेप्ट तो आप लोगों को छोटी क्लासेस से आते होंगे। 2 का भाग एक बार गया, एक को इससे गुणा करेंगे कितना आएगा, यही आ जाएगा 33 माइनस 9x बराबर 4। अब ये 4 इससे गुणा होगा, है ना बच्चों, इससे किससे, 2 से, इसको कहते हैं वज्र गुणन, और इन दोनों का रिजल्ट क्या आया, माइनस 5x, तो 33 माइनस 5x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 गुणा 2 यानी 8, कितना बच्चों, 8। अब 8 को तो हमने इधर भेज दिया, 33 माइनस 8 बराबर कितना हुआ, 5x, और इधर हुआ 25, 25 में भाग लगा 5 का, तो x बराबर 5 आया, x का मान 5, एक मान तो आ चुका, यहां तक तो उतारी आप लोग, और फिर ये वाला मान x का इस समीकरण में रखने पर y का मान भी हमें प्राप्त होगा, कभी प्लस में आ सकता है, कभी माइनस में आ सकता है, आपको थोड़ा सा आत्मविश्वास रखना है। उतारिए, यहां तक तो उतारिए, यस बच्चों, उतारने पे ध्यान रखिए आप लोग। अब ये x का मान हम किस में रख रहे हैं, y बराबर 11 है माइनस
11 माइनस 3x बटे 2 में, इसमें x बराबर, तो यहां हुआ 11 बराबर 11 माइनस 3 ब्रैकेट में 5। लिख सकते हैं यहां पे समीकरण नंबर 3 में x का मान रखने पर, तो 11 माइनस 3 गुणा 5 बटे 2, तो y बराबर 11 माइनस 15 बटे 2। प्लस की संख्या बड़ी है या माइनस की बड़ी है? निश्चित रूप से माइनस की संख्या बड़ी है, बटे 2, तो ये कटने पे माइनस का 2 हमें प्राप्त हुआ। अतः x बराबर कितना आया, यहां बॉक्स बना के आप लिख सकते हैं, अतः x बराबर 5, y बराबर माइनस 2, माइनस 2 y का मान माइनस 2 उतार लीजिए जल्दी से। यस बच्चों, तो वादा कीजिए ये आज ही 4.2 के प्रतिस्थापन वाले सवाल आप स्वयं करेंगे। एक बार पुनः पुनः इसको आज की क्लास से पहले हम समझा दें, नया सवाल लेने के बजाय यही दोबारा समझा रहे हैं हम। 3x प्लस 2y बराबर 11 हमारा समीकरण था, दूसरा 2x प्लस 3y बराबर 4 हमारा समीकरण था। किसी भी एक समीकरण से, किसी भी एक समीकरण से हम x अथवा y का मान निकालते हैं। अगर पहले समीकरण से मान निकाला है तो दूसरे में रखना है, दूसरे से निकाला है तो पहले में, यह ध्यान रखना बच्चों, उसकी उसमें मत रख देना। तो ये फर्स्ट और सेकंड, तो आप लोगों की नजरों के सामने हमने फर्स्ट समीकरण से इस बार थोड़ा सा चेंज करने के लिए हमने y का मान निकाला, तो 2y यहां रखा, 11 माइनस 3x इधर आया, बटे में 2 हमने भेजा, 11 माइनस 3x बटे 2। इस y के मान को हमने इस समीकरण में प्रतिस्थापित कर दिया, रख दिया, यही प्रतिस्थापन मेथड है। तो 3 और जहां y था उस जगह पे 11 माइनस 3x बटे 2 रिप्लेस कर दिया, ठीक उसी तरह से जैसे क्रिकेट का जो खिलाड़ी रिप्लेस होके 12वां खिलाड़ी आ जाता है वैसे ही। तो यहां 3 से हमने गुणा किया, 11 तिया 33 माइनस 9x बटे में 2 चल रहा है। अब यहां एक ये दिखा दिया, हमारे कई नन्हे मुन्ने बच्चों को तकलीफ आती है कि सर लघुत्तम कैसे लेते हैं, तो 1 और 2 का लघुत्तम 2, इधर आया 4x प्लस ये दोनों इसी तरह से आ गए 33 माइनस 9x, वज्रगुणन से 2 इससे गुणा हुए, 4 दुनी 8 और 33, ये दोनों x वाले आपस में रिजल्ट दे रहे हैं माइनस का 5x। तो यहां पे 33 और 8 इनको हमने एक तरफ भेज दिया, 5x को हमने इधर भेज दिया। 33 में से 8 घटाने पर हमारे को 25 मिला और 25 को देखते ही ये 5 उधर चला गया वज्रगुणन के हिसाब से, तो 25 को 5 से विभाजित करने पे हमें 5 मिलता है, x का मान 5, और इस 5 को इस समीकरण में रखने पे y का मान हमें माइनस 2 प्राप्त हो गया। तो ये था सवाल नंबर 3, आंसर शीट से मिलाने पे हमने बिल्कुल यही उत्तर पाए, x बराबर 5, y बराबर माइनस 2। इससे भी मिला के हम चेक कर सकते थे,
खुद के चेक के लिए समीकरण पर्याप्त रहते हैं बच्चों। ये था हमारा प्रतिस्थापन विधि, विलोपन की कौन सी विधि, प्रतिस्थापन। तो अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।